सब्सक्राइब कीजिए खेतीबाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रवीण शिंदे। तो चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं भारत की सबसे बड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के 245 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को। जियो सीरीज में ड्यूअल टोन बोनेट, स्टाइलिश हेडलैम्प, आकर्षक और मजबूत ग्रिल, इसके साथ में ही बोनेट का एरोडायनेमिक शेप और उसके ऊपर लगा हुआ महिंद्रा का लोगो ये ट्रैक्टर को बहुत आकर्षक बना रहा है। उसके साथ में हम देखते हैं कि ये साइलेंसर हॉरिजॉन्टल लगाया है। इसकी वजह से अनार अंगूर की खेती में हमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। अब देखते हैं हम ग्राउंड क्लियरेंस में हम देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा दिया है। इसकी वजह से हम ऑर्चर की खेती में कहीं पे भी हमें खेती करने में आसानी होती है। अब देखते हैं हम ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। ट्रैक्टर के इंजन को देखना है हमें तो इसको बोनेट का खाली एक नॉब खींचना है, नॉब खींच के हमें खोलना है। महिंद्रा जियो 245 का इंजन जो है वो 24 HP का इंजन है और इसमें दो सिलेंडर लगे हुए हैं। इसका 1366 cc का इंजन है ये और इसमें 2300 RPM है। इसका टॉर्क देखेंगे हम तो 8.6 का टॉर्क है इसको। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये इंजन की चीज़ें, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एयर क्लीनर दिया है, ये ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। इसको हम एक इंडिकेटर भी दिया है, इसको रेड रिबिन यहाँ पे आ जाती है तो हमें समझना चाहिए कि इसको क्लीन करना चाहिए और ये इसको क्लीन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्टेयरिंग और डैशबोर्ड के फीचर्स। ये जो स्टेयरिंग दिया है वो पावर स्टेयरिंग दिया है और उसके साथ ही में छोटा सा स्टेयरिंग दिया है, उसकी वजह से चलाने में आसानी होती है। ये जो डैशबोर्ड दिया है वो डैशबोर्ड भी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे टेम्परेचर मीटर दिया है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया है, यहाँ पे डीजल का लेवल दिखाई देता है और ये जो दिया है ये डिजिटल आवर मीटर है। यहाँ पे हमें कितने घंटे हो गए ट्रैक्टर चलाते वो समझ में आता है। उसके साथ में हम देखेंगे तो ये हमारा कॉम्बी स्विच है। कॉम्बी स्विच भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। एक ही स्विच में लाइट भी दिया है, ये इंडिकेटर दिए हैं, उसके साथ में ये हॉर्न भी दिया है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग इंडिकेटर दिया है। पार्किंग इंडिकेटर के बाजू में ही हमें एक छोटा सा स्टोरेज दिया है। ये स्टोरेज में हमारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये मोबाइल के लिए साथ में यहाँ पे मोबाइल चार्जर के लिए पॉइंट दिया है तो हम ट्रैक्टर चलाते समय चार्ज भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे है ट्रैक्टर स्विच ऑफ करने का नॉब है और यहाँ पे ट्रैक्टर चालू करने के लिए चाबी लगाने के लिए एक स्विच दिया है। जियो को साइड शिफ्टिंग गियर की दिया है, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिंग बहुत अच्छा मिलता है। उसके साथ में ही ये जो सीट दिया है वो हाइट और वेट एडजस्टेबल है। तो देखते हैं हम इस सीट पे बैठ के, ये जो सीट है उसकी वजह से हम बहुत देर तक आराम से ट्रैक्टर चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गियर के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो महिंद्रा जियो 245 इसको 8 गियर फॉरवर्ड है और 4 रिवर्स गियर है। यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये 4 गियर है। हाई लेवल में 4 और लो लेवल में 4, ऐसे 8 फॉरवर्ड गियर आते हैं। और इधर देखेंगे हम तो यहाँ पे एक राइट साइड में लीवर दिया है, हाई लो न्यूट्रल और रिवर्स। ये रिवर्स में हम 4 गियर पे चला सकते हैं। महिंद्रा के जियो सीरीज में PC और DC लीवर की पोजीशन राइट साइड के फेंडर के ऊपर दी है। उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है और राइट साइड में होने की वजह से इस्तेमाल करने में आसानी होती है। इसका उपयोग हम कल्टीवेटर, रोटावेटर जैसे इम्प्लीमेंट में कर देते हैं। जियो 245 को हम अलग अलग 6 साइज में चेंज कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई 30 इंच से लेके 36 इंच तक अलग अलग साइज में हम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें ऑर्चर की खेती में होता है। इसके साथ में हम देखते हैं कि PTO 605 और 750 RPM पे चलता है। ये हमें ऑर्चर्स में होता है जहाँ पे स्प्रेइंग करनी आती है, जहाँ पे अंगूर अनार ये खेती करते हैं वहाँ पे स्प्रेइंग के लिए ये PTO का बहुत अच्छा उपयोग होता है। हम 3-पॉइंट लिंकेज पे देखेंगे तो 3-पॉइंट लिंकेज पे यहाँ पे हाइड्रोलिक का 750 kg वेट ये उठा सकता है ट्रैक्टर। इसके साथ में हम फेंडर पे देखते हैं, फेंडर पे ब्रेक लाइट, ये पीछे प्लाव का लैंप, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पीछे भी सजावट किया है।
जगह जगह का अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे एक छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में हम टूल किट्स, हमारे ज़रूरत की चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से ये ट्रैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। महिंद्रा जियो 245 DI फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आपको लगता है कि हम ऐसे नए नए वीडियो बनाते जाए, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाओ कि आपको कौन से ट्रैक्टर का रिव्यू करना है, कौन से ट्रैक्टर के बारे में जानना है, ये हमें लिखते जाइए, जरूर हम करते जाएंगे। हमारे खेतीबाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे वीडियोज को शेयर करते जाओ। जय जवान जय किसान, किसान की उन्नति ही देश की उन्नति।